बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम NN24 न्यूज़ एसटी के साथ मैं हूं नायला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं, खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। नारोवाल में मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें आलमा कराम ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मोहम्मद इकबाल मियां से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामा मस्जिद उस्मानिया नारोल में, जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम हल्का NA76 PP58 का मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ। हल्का अहबाब ने जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार कारी मौलाना अकबर ताबानी, हल्का PP58 के मौलाना मोहम्मद यूसुफ हिजाजी इंतखाबी निशान किताब की भरपूर हमायत का ऐलान किया। नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल मेओ, NN24 न्यूज़ नारोवाल। जी, अब आपको बताते चले टोबा टैक्सिंग से। टोबा टैक्सिंग में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर के नतीजे में दो अफराद जहाँ बहाक और एक जख्मी। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद सजाद हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। जी, टोबा टैक्सिंग में अफसोसनाक हादसा पेश आया है जिसमें खातून समेत दो अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि एक जख्मी है। रेस्क्यू 11/22 के मुताबिक शोरकोट रोड डिस्ट्रिक्ट जेल के नज़दीक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हुई है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि कार सवार शदीद जख्मी है, जिसे रेस्क्यू 11/22 ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए तिबी मदद देते हुए DHQ हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। ये हादसा टोबा टैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट जेल के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद में मोहम्मद अलीम 30 साल जबकि खालदा बीबी जोजा मंजूर अहमद 50 साल, जबकि जख्मी कार ड्राइवर अरबाब वाल मनीर तकरीबन उम्र 19 साल फैसलाबाद शामिल है, जिसे DHQ हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि ऐनी शाहदीन के मुताबिक ये हादसा कार की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अब बुलेटिन में बात होगी खुशाब से। खुशाब में पाकिस्तान तहरीके साफ हल्का NA84 मलिक फतेह खान बंदियाल ने अपने हल्के के वोटरों और सपोर्टर्स के लिए अहम पैगाम जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरमद हुसैन की इस रिपोर्ट में। अब मैं आपके सामने PTI के उम्मीदवार की हैसियत से PP84 में इलेक्शन लड़ रहा हूँ और कुछ हालात ऐसे हैं कि मैं आपसे दूर रहना पड़ गया। मुझे तकरीबन 1.5 साल होने को आया है मैं आपके दुख सुख में शरीक नहीं हो सका, तो उम्मीद है आप मुझे मेरी इस गैरहाजिरी की मेरी खातिर माफी दें। और अब मैं अपने नए हलका तहसील नूरपुर की वो यूनियन काउंसिलर जो मेरे हलके में शामिल हुई उन भाइयों से मुखातिब हूँ कि आपने मुझे वोट भी करना है और आपने मुझे सपोर्ट भी करना है। इंशाल्लाह मेरे मालिक को मंजूर हुआ तो बहुत जल्दी मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ। आपने बिल्कुल बद दिल नहीं होना, ये आजमाइश का टाइम है, थोड़ा सा मुश्किल है और मुश्किलों के बाद हमेशा आसानियां होती हैं। इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसको हमने मजीद तेज करना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा इलेक्शन बिलखसूस ये बातें मैं उन दोस्तों भाइयों से कर रहा हूं अपने सबका हल्के वालों से, और मैं ये समझता हूं कि मैंने अपना हक बतौर नुमाइंदे के भरपूर तरीके से अदा किया। आज ये फ़र्ज और ये भार मैं उन दोस्तों भाइयों पे, अपनी संगत पे, खान के टाइगर्स पे छोड़ता हूँ कि मेरा इलेक्शन इस तरह लगे कि अगर मैं मौजूद होता तो शायद को कमी रह भी जाए। अब मेरी गैर मौजूदगी में अगर मैं ना आ सका तो इस तरह लड़े कि मेरी मौजूदगी। अब आपको बताते चले कुहाट से। कुहाट में इलेक्शन कैंपेन मुहिम का सिलसिला जारी। आजाद उम्मीदवार राय सूबाई असम्बली हल्का पी के 90 उमर हयात अफरीदी कौमी बोस्ती खेल के मिश्रान ने मुकम्मल सपोर्ट और हमायत का ऐलान कर दिया और साथ साथ डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन हिस्सा लेने का अहद भी कर लिया। इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में आज दरातम खेल कौम बोस्ती खेल के मिश्रान ने हुजरा मोहम्मद यूसुफ अफरीदी और आजाद उम्मीदवार उमर हयात अफरीदी से मुलाकात की। कौम बोस्ती खेल के तमाम मिश्रान और किशरान ने उमर हयात के साथ अहद किया कि आप लोगों की कुर्बानी किसी से ढकी छुपी नहीं है।
अब आपको बताते चले ओकाड़ा से। ओकाड़ा में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। ओकाड़ा थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई, बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से लाखों की मंशियात बरामद। ओकाड़ा DPO मंसूर इमान की हिदायत पर थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर अड्डा तबरूक के करीब छापा मारकर एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 5 पैकेट चर्स, 1 पैकेट हीरोइन भी बरामद कर ली। इस मंशियात की मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। मुलजिम की शनाख्त अमीन के नाम से हुई। इस हवाले से DPO मंसूर इमान का कहना था कि मंशियात फरोश माशरे का नासवर है, नासवार है। मंशियात फरोश माशरे के नासूर है और ये किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। अब आपको बताते चले रायवन रोड से। रायवन रोड में डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी। गांव भुबतियां रायवन रोड लाहौर से NA 125 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गफूर खान न्यू PP 186 के राना सफदर दिलशाद आज गांव भुबतियां में डोर टू डोर कैंपेन की और गांव के लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर को घर घर पहुँचाया और कहा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूर किसान गरीब के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 125 के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गफूर खान म्यू ने कहा की आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अब आपको बताते चले सादकाबाद से। सादकाबाद में माछी घोट के करीब इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। सादकाबाद माछी घोट के करीब रहमान बाबा एक्सप्रेस के इंजन में खराबी, बार बार आग लग रही है। रेलवे हुकाम ने रेस्क्यू तलब कर ली। माछी घोट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन को एकदम से आग लग गई। माछी घोट रहमान बाबा ट्रेन को रोक दिया गया और इमदादी सरगर्मियां जारी कर दी गई। रहमान बाबा एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी कि अचानक खराबी की वजह से इंजन को आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, आग पर काबू पा लिया गया। इंजन मंगवाया है, इंजन चेंज करके ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। बताते चले कचाकू से। कचाकू में रेलवे अंडरपास ना होने की वजह से फाटक बंद कर दिया गया जिससे आवाम को मजीद परेशानी का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं अतीकू रहमान से। जी इस वक्त हम खड़े हैं कचाकू के फाटक पे। यहाँ पे अंडरपास की सख्त तकलीफ है लोगों को। ट्रेन के पटरी के एक तरफ बिल्कुल मेन बाजार है जबकि दूसरी तरफ रेलवे लाइन की दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज और हुसैनी चौक का समझो गुंजानाबाद इलाका मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पे लोगों को आने जाने की सख्त तकलीफ होती है। 15 से लेकर 20 मिनट तक यहाँ पे फटक बंद होता है। अंडरपास ना होने की वजह से मरीजों को तकलीफ, स्टूडेंट्स को तकलीफ मुश्किल होती है। ट्रेन 15 से लेकर 20 मिनट तक टाइम जरूर लेती है। लोग यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं खड़े होके और रश की वजह से यहाँ पे किसी वक्त भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और जो ट्रेन आती है वो तकरीबन आती हुई ट्रेन भी 2 से 3 मिनट जरूर ले जाती है और फाटक बंद होने से और फाटक खुलने की वजह से तकरीबन आधा घंटा जरूर लेट हो जाता है। तो मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि बराए मेहरबानी ट्रेन को अंडरपास जरूर तामीर किया जाए ताकि कचाकू के आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, कचाकू। अब आपको बताते चले हसन अब्दाल से। हसन अब्दाल में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। हसन अब्दाल में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हसन अब्दाल में शाबियां टूल प्लासे के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला जिसके नतीजे में 17 साल शफीउल्ला वल्द मोहम्मद अली मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि 17 साल एतजाज वल्द एजाज और 16 साल उसामा वल्द फकीर मोहम्मद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस ने नाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि दोनों जख्मियों को इंतहाई तश्वीशनाक हालत में रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। अब आपको बताते चले जोल से। जोल में मजलिस इज़ा का इनेकाद किया गया। शहर में सहाफी आरजू असलम के बड़े भाई महरूम मोहम्मद मुनव्वर जलालानी के इसाले सवाब की 2 साल मजलिस इज़ा का इनेकाद किया गया। कसीर तादाद में शिरकत की जाकिर अहले बैत जवार सूफी अली मुराद जलालानी कराची और मौलवी हमीद अली शम्स सांगर ने मजलिस इज़ा में खिताब किया। दीन इस्लाम के बारे में भी रोशनी डाली। मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए भी दुआ की। अब आपको बताते चले अहमदपुर शरकिया से। अहमदपुर शरकिया में इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। अहमदपुर शरकिया से रेस्क्यू 112 के मुताबिक एक शख्स जिसका नाम बशीर अहमद बताया जा रहा था चनीकोट और चनीकोट में रोड क्रॉस कर रहा था कि अहमदपुर शरकिया से आती हुई तेज रफ्तार ACC बस ने इसको बुरी तरह कुचल डाला। रेस्क्यू स्टाफ के पहुँचने से पहले ही जख्मी शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया जिसको RHC चनीकोट शिफ्ट कर दिया गया। अब आपको बताते चले एबटाबाद से। एबटाबाद में मुफ्ती अदील को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया गया। खोखर मीरान की ताजर बरादरी ने अब्दुल नासिर खान सवाती को आल ट्रेड खोखर मीर का सदर और मुफ्ती अदील ऐवान को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। 9 मुंतखब ओहदेदारों जो मुकामी ताजर बरादरी ने मुबारकबाद देते हुए फूलों के हार भी डाले गए। इस मौके पर मरकजी रहनुमा आल ट्रेड खोखर ने अरशाद चौधरी, चौधरी यासिर, जमील ऐवान और दीगर भी हमरा हैं।
अब आपको बताते चले वाक एंड से, वाक एंड में लोइस ब्रेल के हवाले से वाक का अहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल सबूर की इस रिपोर्ट में। वाक एंड में वाक व जनरल अस्पताल से लेकर निजी स्कूल तक की गई, जिसमें बसारत से महरूम बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सियासी और समाजी लोगों ने इस वाक में भरपूर हिस्सा लिया। वाक का मकसद ब्रेल जबान के मुतालिक आगाही फराहम करना था। कागज पर उभरता हुआ हर नक्श नबीना अफराद के लिए कोई न कोई मानी रखता है और वो उंगलियों से छू कर इसे पढ़ सकते हैं। आलमी जबान है नबीना बच्चों को तालीम देने के हवाले से, उसके आलमी दिन के मौका पर आज का ये इवेंट रखा गया, एक वाक रखी गई है उनके लिए। तो मैं बसीरत स्कूल सिस्टम की तरफ से आज का ये इवेंट है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वाक एंड के अंदर एक बेहतरीन इदारा है जो नाबीना बच्चों को तालीम दे रहा है। मैं इस पर इनका शुक्रगुजार हूँ और मैं हुकूमत को और अहले इलाका को ये कहूँगा कि वो इनके साथ तावन करें। नबीना और जुजवी तौर पर कम बनाई वाले लोगों के लिए इंसानी हकूक के मुकम्मल अदराक के लिए ब्रेल की अहमियत के बारे में आगाही फराहम करना था, ताकि बसारत से महरूम अफराद की देखभाल, तालीम और रोज़गार के मौके फराहम हो। पाकिस्तान में खसूसी अफराद के लिए तलीमी इदारों की बहुत कमी है। बहुत से लोग मजदूरी के बहस तलीम से रह जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान में ब्रेल का तरीकेकार को आम करने की जरूरत है। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।